लद्दाख, जिसके नाम का लिटरल मतलब ही होता है द लैंड ऑफ हाई पासेस। सो कल अपने 16,000 फीट के हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक के बाद आज का दिन था टू टेक इट इजी, बट एट द सेम टाइम एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस जो मिलनी थी इन द डेज अहेड ड्यूरिंग माई क्लाइम टू इंडियाज हाइएस्ट नॉन टेक्निकल पीक जोजोंगो एट 6250 मीटर्स। तो आज डे 7 को इसीलिए मैंने डिसाइड किया लेह से एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास वरीला जाने का, जो है लेह से करीब 72 किलोमीटर दूर एट 17,400 फीट्स। नाउ माउंटेन पास इज एसेंशियली अ गैप इन अ माउंटेन रेंज और रिज, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ अ कोल और सैडल, जहां से क्रॉसिंग देम बिकम्स इजियर या फीसिबल। अब ऐसे ट्रैक या क्लाइंब करने वाले माउंटेन पासेस तो लेह के आसपास बहुत हैं, पर 17,000 फीट से ऊपर मोटरेबल माउंटेन पासेस लेह के पास हैं 5। लेह के साउथ ईस्ट में टांगलंगला, नॉर्थ ईस्ट में केला और चांगला माउंटेन पासेस, नॉर्थ में खाडुंगला, और इन दोनों के बीच में पड़ता है ये वरीला का माउंटेन पास। अब इन सब में जो सबसे लीस्ट ट्रैवल्ड माउंटेन पास है वो है वरीला का। वो क्यों, इस पर मैं आगे आता हूँ, पर मैं भी इन माय मल्टीपल ट्रिप्स टू लद्दाख पहली बार यहाँ जा रहा था, एंड जब गया तो रियलाइज किया कि एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मोटरेबल पासेस इन इंडिया। तो वरीला के लिए शुरू किया मैंने लेह से, एंड वहां से लिया NH3 या लेह मनाली हाईवे। सून हमारे इस रास्ते पर ज्वाइन करती है हमें इंडस रिवर। रास्ते में पहले आई लद्दाख की ओल्डेस्ट कैपिटल ऑन रिकॉर्ड शे, जहां है ये शे पैलेस। फिर आई तिक्से मॉनेस्ट्री, जहां है लद्दाख में बुद्ध का सबसे बड़ा स्टैच्यू मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में। फिर आता है कारू। यहां से हम नेशनल हाईवे 3 को छोड़ते हैं और चलते हैं लेफ्ट से ऑन द पेंगोंग रोड। इस रोड पर पहला गांव आता है खूबसूरत चेमरे का, और फिर आता है शक्ति विलेज। अभी तक जो हमने रास्ता लिया था यही रास्ता चांगला पास होकर फेमस पेंगोंग लेक जाता है, पर शक्ति विलेज से हम इस पेंगोंग रोड को छोड़ते हैं और कट लेते हैं टुवर्ड्स वरीला, एंड इसके बाद शुरू होते हैं खूबसूरत नजारे। सोहले की खूबसूरत वैली कार्व्ड बाय द इंडस रिवर घिरी हुई है लद्दाख और जंस्कार रेंजेस से। लेह के साउथ में पड़ती है जंस्कार रेंज, जहां पड़ता है टांगलंगला का माउंटेन पास ऑन नेशनल हाईवे 3, जो हम लेते हैं मोस्टली लेह से मनाली जाने के लिए या एट टाइम्स रुपशु प्लेन्स जाने के लिए भी, जहां पड़ती है खूबसूरत सोमररी लेक। बाकी के 4 पासेस लद्दाख रेंज में पड़ते हैं। इनमें नॉर्थ में खाडुंगला, जो लेह के सबसे ज्यादा पास है और नॉर्थ लद्दाख की नुब्रा वैली जाने के लिए भी सबसे क्लोज है। फिर आते हैं लेह के नॉर्थ ईस्ट में चांगला और केला पासेस। इनमें केला पास तो अभी पब्लिक के लिए पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए चांगला पास का रास्ता लद्दाख की फेमस पेंगोंग लेक जाने के लिए सबसे छोटा है अभी तक। खाडुंगला एंड चांगला पासेस दोनों के बीच पड़ता है ये वरीला का पास, तो ना यहां से फेमस पेंगोंग लेक सबसे पास है और ना ही नुब्रा वैली इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। ऑल्टीट्यूड भी चांगला और खाडुंगला से 200-250 फीट कम ही है, और यही वजह है कि मोस्ट पीपल मिस आउट ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्यूज एन रूट वरीला। वैसे कंसिडरिंग द ब्यूटीफुल व्यूज, गुड क्वालिटी रोड्स एटलीस्ट व्हेन आई वेंट एंड ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ट्रैफिक, नुब्रा वैली को वरीला से आना भी एक अच्छी ऑप्शन है। शक्ति विलेज
जहां से मैंने वरीला के लिए कट लिया है, इज एक्चुअली अ डिसेंट साइज विलेज एक्सटेंडिंग अबाउट 6 to 7 kilometers. यहां पर एक खूबसूरत टकटॉक कोम्पा भी है और इस विलेज के एंड से वरीला पास का डिस्टेंस रह जाता है लगभग 23 किलोमीटर का। खूबसूरत नज़ारों के अलावा जैसे जैसे मैं वरीला के रास्ते पे आगे बढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि इसका रास्ता बाकी हाई माउंटेन पासेस जो मैंने अब तक विजिट किए हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है। दरअसल मोस्ट मोटरेबल हाई माउंटेन पासेस लाइक खाडुंगला, चांगला और दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास उमलिंगला का जो स्ट्रक्चर है वो दो माउंटेन पीक्स की रिज या रेंज के बीच एक कोल की तरह है। इसीलिए इनको असेंड करते टाइम एक तरफ डीप वैली होती है, जबकि वरीला का स्ट्रक्चर दो माउंटेन्स के बीच एक सैडल की तरह है विच इज पार्ट ऑफ द वॉटरशेड। तो इसीलिए इस रास्ते पर इन लार्ज पार्ट्स ऐसी फीलिंग नहीं आती और इसीलिए यहां पर असेंड करते टाइम फॉर द मोस्ट पार्ट यू कैन हैव अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द टेरेन एंड रूट मेकिंग इट क्वाइट अ विजुअल डिलाइट। अगली जो चीज बनाती है वरीला माउंटेन पास को खास वो एक्चुअली दिखी मुझे यहीं पर पहुंचकर। नीचे खूबसूरत वरीला पास का रूट मार्कर, हम हैं लगभग 17,450 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। वरीला पास कनेक्ट करता है सेंट्रल लद्दाख या ले को नॉर्थ लद्दाख से, जो है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन। ये एक ऑल्टरनेट रूट है अपार्ट फ्रॉम खाडुंगला पास। नॉर्दर्न लद्दाख जहाँ पे आता है नुब्रा वैली एंड सियाचिन। व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। रॉकी टेरेन ऑफ दिस माउंटेन दिस पर्टिकुलर पास, बट सामने स्नो कवर्ड पीक्स जो दिखाई दे रही हैं, दोज आर सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, वो है काराकोरम रेंज की पहाड़ियाँ। इंडिया की टॉप 10 में से 6 हाईएस्ट पीक्स लद्दाख में ही पड़ती हैं, ऑल इन द काराकोरम रेंज जो है लद्दाख और इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट नेचुरल बाउंड्री। इनमें से 4 काराकोरम रेंज की कुछ सबसे ऊंची पीक्स वो सामने वहाँ है सीजर कांगड़ी, लगभग 7,700 मीटर की ऊंची पीक सीजर कांगड़ी 1, 2, 3, 4। लद्दाख की सबसे ऊंची पीक है संतोड़ो कांगड़ी 7,800 मीटर पे। वो लेफ्ट में है ममोत्संग कांगड़ी की पीक, लगभग 7,500 मीटर की पीक है वो। वरीला के बाद मैंने अगले दिन अपने एक्सपेडिशन की स्टार्ट से एक दिन पहले की ले की साइट सीन इंक्लूडिंग विजिटिंग इट्स 4 मेजर मोनेस्ट्रीज जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।